गद्दा का नाम है और वो भी अल्लाह का नाम। तो कितना प्यारा अच्छा जिक्र है। हमारे यहाँ जिक्र इंजेक्ट किया जाता है। डॉक्टर कौन सा है? डॉक्टर कहते हैं ये दवाई खाओ तो आराम नहीं आता, फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जिक्र कर इंजेक्ट किया जाता है। एक होता है जिक्र करना, एक होता है जिक्र बताना। हमारे यहाँ जिक्र बताया जाता है, हमारे यहाँ जिक्र का चलाया जाता है, हमारे यहाँ जिक्र का चलाया जाता है। देखिए आप आए माशाल्लाह, किसी का हाथ में हाथ भी नहीं दिया तो उसने अपने दिल को थामा। ये क्या है जो जिक्र क्या हो रहा होता है? उस जिक्र की हरारत से आने वाले के अंदर जिक्र होना शुरू होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आग के करीब घी को ले जाएं, घी आग की हरारत से पिघलना शुरू होता है। ऐसे ही जो जिक्र करने वाले होते हैं उनके करीब जब बंदा, जो जिक्र नहीं करने वाला होता जब करीब जाता है, जिक्र करने वालों के जिक्र की हरारत से जो जिक्र नहीं करने वाले होते उनका जिक्र का चलना शुरू होता है। हजरत काजी नौला पानीपत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस दिल को अल्लाह का घर बनाने के लिए 50,000 साल इबादत दरकार है। फिर फरमाया कि इतनी उम्र तो किसी की नहीं है। शॉर्ट वर्ड का ये है कि किसी रोशन दिल के सामने अपने गाफल दिल को ले जाओ, उसकी रोशनी से तुम्हारा दिल भी रोशन हो जाएगा। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती मोमबत्ती जल रही हो, दूसरी मोमबत्ती को उसके साथ झुका के लगाएं, साथ रख देंगे नहीं जलेगी, झुका के साथ लगाना शर्त है, तो वो भी जलना शुरू हो जाएगी। एक जलाएं, 100 जलाएं, 1,000 जलाएं, जलाते जाएं, पहली मोमबत्ती की रोशनी में कमी नहीं आएगी, बाकी भी जलना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जब हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं, हम ज़ाकरीन के पास जाते हैं और उनके पास बैठते हैं, हजरत मुजद्दद अलसानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो हमारी खामोशी से फायदा उठा सके हमारे कलाम से फायदा उठा सके। खामोशी से फायदा से क्या मतलब है कि जब अल्लाह के वली के पास जाते हैं वो खामोश बैठा हो तो वो खामोश नहीं होता, उसके अंदर अल्लाह का जिक्र जारी होता है। और जब बंदा अदब के साथ जाता है, उसके पास बैठता है, वो जिक्र जो अल्लाह वाले कर रहे हैं दिल से, जो लोग जिक्र नहीं करने वाले हैं उनका जिक्र करना चाहता है। ये बहुत बड़ी दौलत है, हमारे यहाँ खावा नहीं है। हम कहते हैं आए ले, आए ये दौलत ले। लोग देखे आप में से माशाल्लाह, मैं कभी किसी का नाम नहीं जानता, जो लोग माशाल्लाह नहीं लोग हैं, मैक्सिकन का नाम नहीं जानता, मैक्सिकन का काम नहीं जानता। मेरी पहली मुलाकात में कैसे बंदा शुरू हो गया? हमारा काम नाम सुनाना नहीं, काम सुनाना नहीं। हम कहते हैं आओ लो जिक्र कर और अगला काम। हमारे यहाँ पीर का बेटा पीर, उसका बेटा पीर, उसका बेटा पीर, या मुरीद का बेटा मुरीद, उसका बेटा मुरीद, उसका बेटा मुरीद नहीं है। हमारे यहाँ आओ ये नेमत लो और अगला काम। नेमत क्या है? अल्लाह का जिक्र, अपने लतायफ को रोशन करवाओ, खुद भी जिक्र करो और आगे जिक्र करवाने वाले बनो। जो अल्लाह के बंदे ने काम किया, हजरत ख्वाजा गरीब की बात है, 90 लाख से ज्यादा लोगों को मुसलमान किया। कैसे किया? ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ आए तो कई कई मस्जिद में लोग सलमा मां का चुचु हो सिया साहब रजी अल्लाह तआला। हम कहते कादी, हम कादी, हम कादी, भाई कादी कादी दूसरे कहते हैं जो हो सिया साहब रजी अल्लाह तआला के नक्शे पे चले। आप जब बच्चों को मारते थे 2 से लेकर 70 बनाना होते थे, इब्ने जोजी जैसे अपने गिरेबान चार कर देते थे, वो जन्नत में बन जाते थे। ये है कादी, इन्हें कादी कहते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ चारों सुर से नक्शबंदी चिश्ती कादी सोरबती चारों सुर से रंग बाया पर चलता है। हम रस्सी भी पीरी मुरीदी वाली बात नहीं है। मैं आपने आप को गुनहगार आखिर बंदा जाना, मैं अपने मुर्शिद का पैगाम लेके आया, अपने मुर्शिद का पैगाम कि खुद भी जिक्र करो और जो लोग हैं उनको भी जाकर बनाओ और ऐसा जाकर बनाओ कि वो भी आगे जिक्र कर माने। मेरे पास बंदा आया, मैं ध्यान में गया, एक बंदा आया, दिल के बाल बंद दो शायद तीन, दिल पे हाथ रखा, मुंह खोल के सांस ले रहा था, उम्र ज्यादा था, सिंधी में कहता जी मैं डॉक्टर, मुझे पता नहीं कितने लाख बोले हैं, तो मैं गरीब हूं तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने एक ही बात की उससे, मैंने बोला दिल हमें दे दो, जो हम चाहे ठीक है, हमारी जान के अंदर ठीक है, दे दे आप दिल दे दे। माशाल्लाह मैं अपने खुद रुमाई, अल्लाह माफ करे, अपने खुद रुमाई नहीं, जिक्र की फिजलत बता सिर्फ तवज्जो हुई
एक दो लगे अपने छाती पे मुक्के मार मार कर चलाइए मार के दोनों हाथ ऊंचे नीचे करके चक चक कर रहा था मेरा दर्द कहां गया। अब वो बंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आगे के लोगों के कलर जा जाए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह फिर तो मेरे आप से फरमाई नहीं है, ये मेरे मुर्शिद की अता है, ये मेरे मुर्शिद से मेरे ऊपर मेहरबानी है कि जो लोग इस सिलसिले में आते हैं वो देने वाले बनते हैं। हमारा मिशन है कि ये नेमत आए ने और आगे तकसीम करें। हमारा काम जिक्र करना और जिक्र करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा मुलाकात हुई, अक्सर लोग सारे क्रिमस दिन सारे पहली दफा मुलाकात हुई और माशाल्लाह आप लोगों के दिल गवाही दे ही आप लोगों के दिल गवाही दे के अंदर कुछ आया और यही अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक हमारी मदद करे।